पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए इसलिए यह यज्ञ हो रहा है। ये कुछ नहीं, ये मूर्ख नीति है और प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं। अन्न नहीं लेंगे, 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। बिना बलिदान के वरदान नहीं मिला करता, बस यही कह रहा हूँ। हमने बलिदान दिया तो हमको वरदान मिला। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने 3 प्रतिज्ञा की थी, 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से यज्ञ भी शुरू हो गया है। कहाँ यज्ञ जो शुरू हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो प्रतिज्ञा आपकी पूरी हुई और यज्ञ चल रहा है यज्ञशाला में? तो आज से नहीं, कल से यज्ञ शुरू हुआ मेरा। क्या इसका पूरा उद्देश्य? पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए इसलिए यह यज्ञ हो रहा है। तो पाक पीओके हमें मिल जाए इसे 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ चल रहा है। ये त्रेता के पश्चात प्रथम निष्काम यज्ञ है। प्रत्येक यज्ञ में कोई न कोई कामना होती है, मेरे यज्ञ में कोई कामना नहीं, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, बस यही हमारी कामना है। तो आपको उम्मीद है जैसे प्रभु राम लला को की प्राण प्रतिष्ठा होने में, मंदिर बने में 500 साल का पुराना संघर्ष रहा, और अब ये पाक अधिकृत जो कश्मीर वाली बात है ये भी बहुत ही संघर्षमय है और इतना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको क्या पूरा पूर्ण विश्वास है? पूर्ण हनुमान जी पर मुझे पूर्ण विश्वास। जब हनुमान जी सीता जी को ला सकते हैं लौटा करके, तो हमारी भूमि भी ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप ही वो व्यक्ति थे जो गए और तथ्यों के आधार पर आपने बात रखी, वो संघर्ष के दिन जब आप याद करते हैं तो क्या कहना चाहिए? कुछ रोमांच हो जाता है मुझको, क्योंकि मैं भरत जी चिंतित थे कि मैं भगवान के काम में नहीं आया, पर मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई, इसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। गुरु जी एक बात और भी जानना चाहूंगी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, ये उचित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्र के अनुसार यही है। गर्भगृह में राम जी गर्भगृह का मंदिर पूरा हो गया, इससे भगवान स्थापित हो रहे हैं, अब ऊपर बनता रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र भी है, त्रेता की छाया है, बहुत उचित है। और प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं, अन्न नहीं लेंगे, 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? सोचिए। लेकिन सवाल तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, अन्य पार्टी की बात ऐसी है, कुटिल राजनीति कर रहे हैं जिनको चुनाव जीतने के। नहीं, जिनको कुछ करना नहीं हो तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली कम्मे को नोचे, उनको कुछ करना नहीं है, अब अच्छा कार्य हो रहा है तो प्रश्न उठा रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए करे कौन अड़ी हो, कौन बड़ा पाप करे, इतना बड़ा काम तुमने किया है क्या? 60 वर्ष तुम्हारे पास भारत रहा, क्या किया तुमने? अब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया, अब धीरे धीरे 3री होगा, अब फिर प्रथम हो जाएगा। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, जो राजनीति हो रही है या धर्मनीति है, क्या मानते हैं? कुछ नहीं, ये मूर्ख नीति है। जो विपक्षी दल कह रहे हैं इसको आप मूर्ख नीति मान? मूर्ख नीति मान रहा हूँ, तथ्यहीन, जो कुछ करें सब तथ्यहीन है, सारे तथ्यहीन है। लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, शास्त्र क्या कहता है, जो नियम हो रहे हैं, जो पूजा पाठ की विधि हो रही है, शास्त्र के अनुसार हम लोगों ने तय किया है।
शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है सब कुछ, कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य है, सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है, उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे राम लला जी। संत समाज की अगर बात करें, बहुत संघर्ष रहा, कार सेवकों का भी बहुत संघर्ष रहा, खून की नदियां बही, उसके बाद आज प्रभु श्री राम अपनी जगह पर स्थापित होने वाले हैं जल्दी, तो संत समाज की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? बिना बलिदान के वरदान नहीं मिला करता, बस यही कह रहा हूँ। हमने बलिदान दिया तो हमको वरदान मिला,